हाँ जी, सुनते हैं आवाम की आवाज। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं तरफाज मुगल और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस टीवी। दुआ और सलाम, आई हैं बहुत बड़ी मेहमान, नाम है उनका सोनिया हुसैन, करती क्या है बताएगी अवाम। लेट्स टॉक टू पीपल। सोनिया हुसैन को जानती, टिंके का सारा ड्रामा जिनका चल रहा है अभी, अच्छी है ना? जी, कैसी एक्टर है? बहुत अच्छी है। मासूम है या तेज है? मासूम तुमती है। अच्छा ये बताइए, उनकी एक्टिंग अच्छी लगती है या फेस वाइज अच्छी है? एक्टिंग अच्छी नहीं है, बस नॉर्मल है। अच्छा ये बताइए, किस एक्टर के साथ ज्यादा अच्छी लगती हैं आप? समी खान के साथ अच्छी लगती हैं। कैसी लगती हैं आपको ये? अच्छी एक्टिंग कैसी है? अच्छी है। अच्छा कौन से एक्टर के साथ अच्छी लगेंगी ये? इमरान अब्बास। अच्छा कोई एक एक्टर बताएं जिसके साथ ये ज्यादा अच्छी लगती है? अगर हुमायूं सईद इनके साथ हूँ तो अच्छी लगेंगी। ज्यादा खास नहीं है एक्टिंग। अच्छा वैसे बंदी अच्छी लगती है? वो अच्छी है, एक्टिंग अच्छी नहीं करती है। कैसी लगती है? साइकोटाइप भाई, एक्टिंग होती है। आपको अच्छी नेगेटिव और पॉजिटिव चलेगा? अदाकार को तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही करना पड़ता है। नहीं देखती मूवीज भी नहीं देखती? अच्छा हुमायूं सईद को जानती है? फहद मुस्तफा को जानती है? जी बिल्कुल जानती हूँ। कैसी एक्टिंग है उनकी? एक्टिंग तो एक्टिंग होती है। अच्छा ये बताइए कि जो ड्रामे आपने देखे हैं उसके अंदर एक्टिंग कैसी लगी? एक्टिंग अच्छी। आउट ऑफ 10 कितने दें? 10 प्लस दूंगी मैं। सोनिया हुसैन कैसी एक्टर है ये बताइए? एवरेज है। एवरेज है, बेस्ट नहीं? नहीं नहीं, मैं नहीं जानती। कोई भी ड्रामा नहीं देखा? कैसी एक्टिंग? अच्छी है। टिंके का सारा ड्रामा भी चल रहा है, कैसा लगता है आपको? वो मैंने नहीं देखा। ओके, किस एक्टर के साथ ज्यादा अच्छी लगती है? समी। कैसी एक्टिंग है बता दी? बहुत अच्छी है ना? आउट ऑफ 10 10 अच्छी है। आप बता दीजिए कैसा चल रहा है इनका ड्रामा? बहुत जबरदस्त एक्टिंग किया है ना। आउट ऑफ 10 कितने देंगे? 10/10 दूंगी। आप कितने देंगे आउट ऑफ 10? 9। सोनिया हुसैन को जानती है मैम? बिल्कुल जानती हूँ, मेरी बड़ी फेवरेट एक्टर हैं ये। अच्छा इनकी आवाज पसंद है? बहुत ज्यादा। अच्छा बताएं इनकी एक्टिंग कैसी लगती? A1। इनके ड्रामे का नाम बताएं जो आपको बहुत अच्छा लगता हो? इनके का सारा ही है। कैसा लगा आपको? बहुत प्यारा ड्रामा। इनकी एक्टिंग बहुत अच्छी। इनोसेंट है या बहुत तेज? तेज है, शार्प है। शार्प है, आइडियल है। आइडियल है किसकी? मेरी। आपकी या सिर्फ आपकी पूरी फैमिली की? मेरी पूरी फैमिली की, लेकिन फीमेल्स को इनकी तरह ही होना चाहिए। फीमेल्स को इनकी तरह होना चाहिए, ये तो बड़ी खूबसूरत। कैसा लगा सोनिया आपको ये फीडबैक सुन के? अच्छा लगता है, मतलब ऑब्वियसली व्यूअर्स से इतने ज़्यादा आपका वो नहीं हो पाता, तो आई थिंक ये बड़े ज़बरदस्त सेगमेंट है। मुझे एक बात बड़ी अजीब लगी कि ज़्यादातर ऑब्वियसली 90% लोगों ने कहा कि आप बड़ी ज़बरदस्त एक्टर हैं, 10 से भी ज़्यादा मार्क्स दे दिए, 10 दिए, 9 दिए, एक बीच में थी वो कह रही है एवरेज है। ये मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या वजह होती है। बेसिकली जब मैं सराब ड्रामा का, यूजुअली कैरेक्टर्स भी इस तरह के होते हैं जहाँ पर कहीं कहीं आपको बहुत लाउड भी होना पड़ता है, तो बहुत सारे लोग आपको बहुत लाउड जब देखते हैं तो वो ये नहीं देखते कि कैरेक्टर की डिमांड ऐसी है। ऑब्वियसली आपको पता है सराब कैसा था, उनको ये लगता है कि ओ अच्छा शायद ओवर एक्टिंग हो रही है। तो सराब में तो बहुत, मतलब सराब की तो आपकी अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस थी, तो आई थिंक शायद उल्फत के किरदार की वजह से कह रहा हूँ। हो सकता है हाँ, लेकिन उल्फत को तो लोगों ने इतना प्यार दिया। मुझे लगता है अगर 60% लोगों ने सराब देखा है तो 110% लोगों ने उल्फत वाला ड्रामा देखा है, और उल्फत को वो बहुत पसंद करते हैं। But are you surprised लोग टिंके का सहारा देख रहे हैं और इतना? I'm very surprised, मतलब मैं तो बिल्कुल, आई थिंक मैं थोड़ा सा दूर भी थोड़ा टाइम रही हूँ, तो मैं तक कनेक्टेड नहीं हूँ इस ड्रामे से, मैं फॉलो भी अभी नहीं किया, लेकिन मैं बड़ी सरप्राइज हुई हूँ जब से मैं पाकिस्तान आई हूँ, मैं देख रही हूँ कि लोग बहुत अच्छा इसका फीडबैक दे रहे हैं। अच्छा जाहिद का किसी ने नाम नहीं लिया? बड़ी हेल्प की बात है कि आपकी सबसे जाहिद के साथ स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है। बिल्कुल। But two people said समी एंड somebody said they'd like to see you with इमरान अब्बास। Probably इमरान के साथ एक कैरेक्टर मुझे ऑफर हुआ हुआ भी था, तो शायद हम करें भी जल्दी का। और हुमायूं? हुमायूं तो बहुत ही अमेजिंग एक्टर है, इज सच अ गुड हीरो, तो या वो हमें पता है, आपने मेरे पास तुम्हों नहीं किया था।
पुरानी बात हो गई है लेकिन मतलब नहीं, कोई अच्छा कैरेक्टर आएगा ना, जो अच्छा फीमेल कैरेक्टर होगा तो वो ज़रूर करूँगी। हुमायूं बेसिकली मुझे मिले भी थे एक लाइक अ मंथ अगो, कह भी रहे थे कि सोनिया हमने क्यों नहीं आज तक काम किया, तो मैंने कहा कर, तो वो कह भी रहे थे कि कोई स्क्रिप्ट ऐसा लिखवाता हो जो तुम्हारी पसंद का हो। मैंने कहा ठीक है। आपको रिग्रेट्स होते हैं कभी कभी, इतने प्रोजेक्ट्स ऑफर होते हैं उनमें से आप कुछ कर पाती हैं कुछ नहीं कर पाती, कुछ अपनी मर्जी की वजह से नहीं कर पाती, कुछ डेट्स के इश्यूज हो जाते हैं, बाद में आपने कभी रिग्रेट किया कि अरे यार ये ड्रामा निकल गया हाथ से? सच कभी भी नहीं, क्योंकि जितने प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं और जो आए नहीं या किसी वजह से रिप्लेस कर दिया गया, किसी और एक्टर को ले लिया गया, वो प्रोजेक्ट कभी स्क्रीन पे ही नहीं आए। पता नहीं क्या बात है, पता नहीं फॉर्चुनेट सी नहीं अनफॉर्चुनेट, लेकिन नहीं मैं मतलब प्रोड्यूसर के लिए तो अनफॉर्चुनेटली है, लेकिन नहीं मैंने कभी भी रिग्रेट नहीं किया। और जब मैं देखती हूँ तो वो मुझे लगता है कि शायद मैंने ठीक ही किया जो छोड़ दिया। आई थिंक कम काम करना फिर बेहतर होता है, रादर आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो और क्वालिटी अच्छी ना हो उसकी। तो ये आवाम की जो आवाज़ है, आप इससे कितना अग्री करती हैं ये बताएं? ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आवाम गलत तो नहीं कहती। हाँ। और जो अगर कुछ जिस तरह एक ने बोला भी कि हाँ एवरेज है, और इस तरह के कॉमेंट्स को आप किस तरह से देखती हैं? नो आई मीन ठीक है, मतलब ऐसा भी होता है, इसमें कैसी बात है, मतलब क्रिटिसिज्म भी होता है। मेजॉरिटी जब इतना प्यार कर रही है तो एक आध लोगों को अगर नहीं भी अच्छे लगे तो क्या हो सकता है? नहीं तो ये भी अच्छी बात है, मतलब ज़रूरी नहीं कि हर वक्त आपको तारीफ़ ही मिले। आपको क्रिटिसिज्म मिलता है तो उससे ज़रा आपको इम्प्रूवमेंट के लिए एक वो होता है कि नहीं अच्छा बेहतर करना चाहिए। तो आप फीडबैक को कितना सीरियसली लेती हैं? लेती हैं सीरियसली या नहीं? जैसे अगर कोई ड्रामा आया है, आप क्या YouTube की उसकी एपिसोड के नीचे जाके देखेंगी कमेंट सेक्शन में कि लोगों ने मेरी परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहा? डू यू डू दैट? नहीं नॉट रियली, लेकिन आई थिंक अच्छा आइडिया, देखना चाहिए क्योंकि वहाँ पे लोग ज़रा जेन्युइन देते होंगे। हाँ नहीं मैंने कभी